तो वेलकम टू माय चैनल, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी की बुक से हिंदी का चैप्टर नंबर 8, वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। 17 मई सन 2155 की रात, समझे आप कुछ, आगे बताती हूँ। को रात को लिखा, आज रोहित को चुपचाप सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ गई है, और फिर भी यह पुस्तकें नई की नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर कहा, तुमने वह पुस्तक कहाँ मिली, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने फिर बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसने उसके विषय में लिखने को है ही क्या, हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिससे टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, वह इससे भिन्न होता है। इससे तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। मतलब इन बच्चे क्या बात कर रहे हैं, समझे आप, वो बच्चे जो है बात कर रहे हैं 1155 की, यानी के अब से करीब करीब 150 साल पहले। 150 साल भी नहीं, तो बहुत समय बाद की बात बच्चे कर रहे हैं। बहुत समय बाद क्या होने वाला है उसके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं कि पहले बाद में जो है स्कूल वगैरह नहीं होंगे। तो उसने कहा कि जो स्कूलों का वर्णन ये पुस्तक कर रही है वह वैसे उससे जैसी नहीं है, उससे भिन्न है, उससे अलग है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में वह उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है कि मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब इसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब सब ठीक होगा या ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है, क्यों नहीं।
वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में आते थे जिसे स्कूल कहते थे। कितना अच्छा है ना ये, आपके स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है ना। सोचो बहुत आगे समय जब आएगा तो हमारे स्कूल्स ऐसे हुए तो कैसा होगा। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक ही समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो यह पुस्तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। हमारे अंदर भी रुचि होती है ना, जब हमें कुछ नया या कुछ अलग जानने को मिलता है। वैसे ही कुम्मी को भी हुआ। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने की तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सिखाना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। कितनी अच्छी थी ना ये कहानी दोस्तों। तो इसको जो लिखा है, इसकी जो राइटर है वो है आइज़क असिमोवा। ठीक है, जो इसकी राइटर है आइज़क असिमोवा, तो इन्होंने इस कहानी को लिखा है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।